बात करते हैं रफ्तार की कहर की, जहां पर बागपत और बिजनौर के अंदर रफ्तार की कहर ने 8 लोगों की जान ले ली। देखिए यूपी में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बिजनौर और बागपत का है, जहां काल के गाल में फिर से लोग समा गए। बिजनौर में तेजी से आ रहे 3 ट्रक आपस में भिड़ गए और टक्कर इतनी भयंकर थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। ट्रक में सवार 10 लोगों में से 5 लोगों की तो मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। 5 मौके पर ही जिनकी मृत्यु हो गई है और अभी बाकी जो 5 घायल हैं उनको बड़ी बहादुरी के साथ यहाँ पे पुलिसकर्मियों ने, हमारी पूरी टीम ने रख के उनको निकलवा लिया है, उनकी जान बचाई है। आग भी लग गई थी जिसको समय रहते बुझवा लिया गया। हादसे की वजह फिलहाल ये बताई जा रही है कि शीरे से भरे ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था, जिसकी वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। झालू मार्ग पर कालिका मंदिर के नजदीक चक्कर चौराहे पर तीनों ट्रक रात 12:30 बजे के करीब आपस में भिड़ गए। तीनों ट्रक अलग अलग दिशा से आ रहे थे। झालू रोड पर काली माता मंदिर चौराहे के पास आज 3 ट्रकों का एक्सीडेंट हुआ है। एम्बुलेंस बुलवा ली गई थी, फायर ब्रिगेड बुलवा ली गई थी। घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। सर, इसमें कुछ लोगों का पता चल पाया है कहाँ के लोग हैं कहाँ के नहीं? अभी वो सब ट्रेस करवाया जा रहा है, जानकारी करवाई जा रही है। वहीं बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मभी कला मिनी टोल प्लाजा के पास ट्रक ने पीछे से कार में टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 की हालत गंभीर है। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है। बिजनौर से अजय पांडे और बागपत से कुलदीप पंडित के साथ प्रीति चौधरी, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।